सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जफर इकबाल भट्टी। अच्छा भट्टी साहब, हमारा आज का टॉपिक है कि 25 दिसंबर को हम पाकिस्तानियों में बहुत उम्मीद है। 25 दिसंबर को क्या हुआ था? 25 दिसंबर को एक तो कायदे आजम की वफात का दिन है, तो दूसरा क्रिसमस का दिन है। इस वजह से ये ना मशहूर है 25 दिसंबर जो है जी। आप क्या बताते हैं, 25 दिसंबर को क्या हुआ था? 25 दिसंबर को के एक साथ मौसम साढ़ा जरा सी ना, जिन्हें सानू राह दसिया, जिन्हें सानू दसिया कि जीना किस तरह, जिन्हें सानू दसिया आज़ादी की है, वो मौसम साढ़े तो जुदा आया। 25 दिसंबर को एक दूजा साढ़े क्रिसमस भाई ने अपना मसीह बरादरी है, साढ़े भाई भी ने, हम किताब भी ने, मतलब अहले किताब ने साड़ी, वो असं उन्होंने तराम करने, उन्हें खुशियां भी शामिल हाँ, असं उन्होंने तावन भी करने, कोशिश करने कि भी इस तरह साढ़े मुल्क वफादार रहन, जिस तरह असं उन्होंने वफादार हाँ। तो बाकी जो कायदम कर साहब कर गए ने, ना कि दूजा बंदा कर सकता है, तो ना किसी यानी कुवत, ना किसी यानी पावर के करे कोई। अच्छा भट्टी साहब, मुझे याद है कि मैंने पहले भी आपकी एक दफ़ा की थी अपना, माशाल्लाह इंग्लिश में बहुत अच्छी बात की थी, तो काफ़ी इंग्लिश भी आपने बोली थी। ठीक है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। वाई नॉट, इनफैक्ट आई एम ओल्ड ग्रेजुएट पर्सन एंड बिकॉज ऑफ सम बैड सर्कमस्टांसिस आई एम अरुण गस्टाल, आई हैव 7 चिल्ड्रन एंड टच इन पॉलिटिक्स, सो इज द केस इट्स माई अटमोस्ट ट्राई टू रन द एक्सपेंडिचर ऑफ माई डॉटर्स एंड चिल्ड्रंस। आई हैव 7 चिल्ड्रन, वन डॉटर इज एम ए होल्डर एंड सेकेंड डॉटर इज रीडिंग इन लाहौर यूनिवर्सिटी क्वालिफाइंग DPT एंड सेकेंड थर्ड डॉटर इज रीडिंग इन UOG BS ऑनर इन मैथ। अच्छा ये आप माशाल्लाह आपकी, मैं बहुत आपसे मुतासर हुआ हूँ। अच्छा मैं आपको एक मौका देता हूँ, मैं फिर पूछता हूँ कि 25 दिसंबर को क्या हुआ था। हम पाकिस्तानियों में बड़ी मियत है तारीख में पाकिस्तानियों के लिए, 25 दिसंबर को क्या हुआ था? सॉरी टू से आई एम वीक इन दिस पॉइंट बिकॉज आई डोंट नो। अच्छा तो कुछ भी, आई फॉरगेट। कोई भी आपके ख्याल में कोई भी अंदाजा तो लगा दें। इनफैक्ट 25 दिसंबर इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ क्रिसमस, एंड द डिमाइज ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आपके ख्याल में आपको भी मौका दें। मेरे ख्याल में यही दो दिन है, तो इसके अलावा कोई नहीं। बात ज़्यादा तो दुख इस बात का है कि मौसम चले गए हैं, तो चलो मुल्क का निज़ाम था जो उन्होंने बताया था कि काम और इत्तेहाद और मुनज़्ज़म तरीके के साथ काम करना है। बाकी मैं यही गुजारिश है सारी वाम से इकट्ठे हो जाएं, इत्तेहाद के साथ काम करें। अच्छा मैं फिर आपको मौका देता हूँ, 25 दिसंबर को बताएं क्या हुआ था। प्लीज़ गिव अस सम इंस, थोड़ा सा इंस दे दे फिर हम। नहीं मैं तो इंग्लिश दे, पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद थी, पाकिस्तानी वाम के लिए उम्मीद थी। अब ये बता दें 25 दिसंबर को क्या हुआ था, कुछ तो नादा लगा देना आप, कोई थोड़ा ये कह, जो आप कह रहे हैं ना ये नहीं हुआ था, मैं ये बता देता हूँ। थोड़ा सा लाइट तो देना मुझे। मैं दे रहा हूँ ना, जो आप कह रहे हैं ना कि 25 दिसंबर को कायदे आज़म की बरसी है, वो नहीं है। अच्छा आप बताइए, आप 25 दिसंबर को क्या हुआ था? डोंट नो, थोड़ा याद तो करें, कुछ ज़्यादा तो लगाएं, थोड़ा सा हिंट देंगे तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। दे दीजिए ना। अच्छा आपके ख्याल में कुछ जेन में पास दौड़ी है, बाकी तरीब मताले पर किधर भूल गए इन्हें भी थोड़ा, ये भूलने वाली चीज़ तो नहीं है, पर कोई थोड़ा कोई पंजाबी में कहना टेवा ला दो। नहीं टेबल समझ नहीं आ सकती है, यही बात दो चीज़ें ना पता है, इसके अलावा नहीं इलम इजाफा है कि भाई है की होया की नहीं होया, इसके अलावा नहीं पता है। नाजरीन आपको पता है 25 दिसंबर को क्या हुआ था, जिन्हें बताइएगा मेरे भाइयों को कि 25 दिसंबर को कायदे आज़म की पैदाइश है, बरसी नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, जिन्होंने हम पे एहसान किया, ओ सॉरी वेरी सॉरी सर, इनफैक्ट ना कि वो अभी माइंड भी बिजी है क्योंकि अभी दुकान बंद की है। ये भूलने वाली चीज़ आधी बात, ऑफ कोर्स यू आर एब्सोल्युटली राइट के आई अप्रिशिएट यू टू रिमाइंड अस, एग्री है तुम्हारी गल नाल कि तुम बिल्कुल सही है कि मिस अप हो गई है कि चलो इना मैटर भी अपसेट बंदा होता है। ऑफ कोर्स बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि उनकी पैदाइश का दिन है। अच्छा चले हम थोड़ा आगे चलते हैं। कायदे आज़म साहब अल्लाह ने जवर रहमत में जगह अता करे, और उनके जो रुफका थे साथी थे जिन्होंने हमारे लिए ये वतन अजीज हमें आज़ाद लेके दिया, अगर पाकिस्तान ना बनता तो फिर हमारी हम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी कैसी होती?
देखिएगा कि स्लेवरी जो कहते हैं ना, स्लेव स्लेवरी यानी गुलामी, गुलामी किसी भी चीज़ की है ना वो अच्छी नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए फ़ख्र की बात करके कायदे आज़म ने डे एंड नाइट वर्क किया, वर्क करके हमें आज़ाद मुमलकत इस्लामी मुमलकत जो है ये हमें डोनेट की। मेरा सवाल ये है कि अगर हमें ना मिलता पाकिस्तान तो फिर हमारी ज़िंदगी क्या कैसी होती, हमारा रहन सहन कैसा होता, हमारी जहनी सोचें कैसी होती, हमारा खाना पीना कैसा होता, हमारी इबादत करने का तरीका क्या, कैसे हम अदा करते हैं। जो गुलामी है ना, गुलामी है। इंसान जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं ऑफ इस्लामिक, ठीक है, उनके मुताबिक तो हमने ज़िंदगी बसर करनी करनी थी, खा कुछ भी होता। हम बीइंग ए मुस्लिम, हमारा ये तो तरीका दूसरा, क्या आज़ादी से कर लेते, आज़ादी जो है ये वो तो अभी भी आज़ादी तो नहीं है ना, अभी भी आज़ादी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद है, नो, हम अपने रूल्स हैं, हम मुकम्मल आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला ने अज़ीम में, हम आज़ाद ज़रूर हैं। ये छोटी मोटी मुश्किल जो है ना, एक अलग चीज़ है, ये बात नहीं है। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हम मयूर हैं दुनिया में, हम आठवीं ताकत हैं, हमारा अल्लाह ताला ने हमें थोड़ा सी जैसे नवाजा। बताता हूँ, देखिएगा कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अगर मुझे पॉलिटिशियन जो है ये अगर अकरबा परवरी ना करते तो यकीन जानिएगा कि मैं भी आज किसी न किसी महकमे में एडजस्ट होता, लेकिन बिकॉज ऑफ ये पॉलिटिशियन की बात अलग है। हम तो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो हमें लेकर दिया, हम बनाना सनवारना हमने है ना, आपने है, हम वो ना करें तो इसने तो मेरी बात ये है, ये मैं बात बोलता हूँ, अगर हमारा मुल्क आज़ाद ना होता तो हम हिंदुओं के गुलाम होते, जिस तरह अभी भी हमारे मुसलमान भाई हिंदुस्तान में जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो मुझे ऐसा पता है गुलाम से भी पता है जिस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये तो उनकी बड़ी मेहरबानी है, हमारे रहनुमा की, हमारे कायद की बहुत मेहरबानी है कि जिसने हमें आज़ाद सांस लेने का मौका दिया, हम अपनी मर्जी से सो सकते हैं, जाग सकते हैं, सांस ले सकते हैं, वरना हमें चाहिए उनके लिए दुआ करें और पाकिस्तान की कदर करें। हाँ जी, पाकिस्तान की जितनी कदर की जाए वो कम है, क्योंकि पाकिस्तान की नेमत है, नेमत ऐसी है जैसे इंसान के हाथ पैर होते हैं ना नेमत, इस तरह पाकिस्तान में नेमत है। वी आर लिविंग इन इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री जी। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।